मतलब कितना सहयोग दिल्ली से वो हिमाचल के लिए लेकर आई, उसका भी एक व्हाइट पेपर लेकर आई। और वही नहीं, और भी जितने सांसद हैं वो भी बताएं कि केंद्र से कितना सहयोग पिछली बार हिमाचल को आया और इस बारी हिमाचल को आया। जो ये 1800 करोड़ की बात करते हैं ये बिल्कुल तथ्यहीन है। हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर भी इस तरीके की परिस्थिति बन रही है, हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल नुकसान कम हुआ है, मगर फिर भी जिन इलाकों में हुआ है काफी हुआ है, वहां पे कई लोगों की मृत्यु भी हुई है जो बहुत दुखद है, और बागीपुल भी उसमें से एक है, केदस का इलाका भी उसमें से एक है और समेज का इलाका भी है। तो यहां पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन का काम पूरी मजबूती से हो। यहां पे ब्रिजेस बह गए हैं और सड़कों का जो लिंक है वो टूट गया था, उसको रिस्टोर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहां पर भी आपके बागी पुल में रिकॉर्ड 5 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा इस ब्रिज को रिस्टोर किया गया है। हालांकि बहुत नुकसान डिपार्टमेंट का हुआ है, करीबन 4.5 करोड़ रुपए का यहां पे जो ब्रिज बन रहा था वो बह गया। वैसे ही केदस में भी जो ब्रिज बन रहा था वो भी करीबन 3 करोड़ का, 3.5 करोड़ का वो भी बह गया। तो ये दोनों नुकसान हमारे डिपार्टमेंट के हुए हैं, ये हमारे लिए भी बहुत दुखद है, मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वैसे पूरे प्रदेश में भी जहां जहां भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सड़कें बंद है, उनको इमीडिएट खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहां पर मशीनें लगानी है मशीनें लगाई जा रही है, जहां पर जो है डंगों को लगाने की प्राथमिकता है वो किया जा रहा है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने लिमिटेड संसाधन हैं उसके बावजूद कोई कमी ना आए और लोगों को पूरी सहूलियत मिले। और ये भी है कि अभी क्योंकि पिछले साल भी सेफ सीजन के समय ही ये नुकसान हुआ, इस बारी भी अभी सेफ सीजन शुरू हो गया है, तो ये भी हमारी प्राथमिकता है कि लोगों की जो उपज है, चाहे नाशपाती है, सेब है, प्लम है, वो समय के ऊपर मंडियों के अंदर पहुंचे, ये भी हमारी प्राथमिकता है। इसको देखते हुए भी कार्य किया जा रहा है, उसमें भी कोई कमी ना रहे, इस दृष्टि से भी हम प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे कहीं ना कहीं सर आपके जो प्रतिद्वंदी कंगना रनौत जी है वो इल्जाम लगा रही थी कि पिछले साल भी जो त्रासदी हुई थी उस दौरान यहाँ के लिए जो बजट का प्रावधान हुआ था उसके बंदर बांट हुई। पहले बात तो मेरी प्रतिद्वंदी नहीं है, चुनाव खत्म हो गए, माननीय सांसद है और मुझे लगता है कि उनको जो है तथ्यों के ऊपर तथ्य आधारित बातें करनी चाहिए। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके बारे में तथ्यहीन बातें करना, इससे लोगों के बीच में केवल अपना मजाक बनता है। तो ये चीजें उनको अब एक जिम्मेवार वो पद के ऊपर बैठी हैं, उनको गैर जिम्मेवारा आरोप मुख्यमंत्री पे या हम सब पे लगाने के बजाय, वो दिल्ली आई, दिल्ली से आई अच्छी बात है, सांसद के रूप में आई, मगर कितना सहयोग दिल्ली से वो हिमाचल के लिए लेकर आई, उसका भी एक व्हाइट पेपर लेकर आई। और वही नहीं, और भी जितने सांसद हैं वो भी बताएं कि केंद्र से कितना सहयोग पिछली बार हिमाचल को आया और इस बारी हिमाचल को आया। जो ये 1800 करोड़ की बात करते हैं ये बिल्कुल तथ्यहीन है, ये पैसा किसी भी सरकारी आंकड़ों में, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। जितना पैसा हमको मिला है वो केवल एनडीआरएफ में और एसडीआरएफ में हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसके अलावा एक भी ग्रांट केंद्र सरकार से अभी तक हिमाचल प्रदेश को ना पिछली साल की आपदा की मिली है और इस साल की आपदा की तो अभी बहुत दूर की बात है, तो उसमें भी अभी तक हमको कुछ हिमाचल को नहीं मिला है।